अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरीम शहजाद का सलाम हो। आज की जो रेसिपी शेयर हो रही है वो है शामी कबाब। हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमने कुछ तैयारी पहले से कर ली थी चिकन के, हम शामी कबाब बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर दो अदद हमारे पास ये देखें ब्रेस्ट के पीस थे जिसको हमने धो लिया अच्छे तरीके से। साथ ही हमारे पास 1/4 कप के बराबर चने की दाल थी जिसको हमने धो लिया और इसके बाद हमने इसको इसमें डाल दिया। पानी ये जो है हमारे पास तकरीबन 2.5 गिलास के बराबर हमने इसमें पानी डाला। आप देख सकते हैं हरी मिर्चें हमने 4 से 5 डाली, साथ ही हमने लाल वाली सूखी मिर्चें जो थी वो हमने इसमें डाल दी। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ जो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर हमने लाल मिर्च जो थी ये हमने ऐड करनी है, कम या ज़्यादा मसाले आप कर सकते हैं। हल्दी हम इसमें 1 टीस्पून लेंगे, साथ ही धनिया पाउडर जो है वो भी हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे। नमक हमने 2 टीस्पून हम डाल चुके हुए हैं, बाकी आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर एक प्याज जो थी वो हम लेंगे, लहसुन और अदरक जो है वो साबुत साबुत हम इसमें डाल देंगे। ये तो चले, इसके बाद हम ये मसाले जो हैं इसमें डालते हैं। अब यहाँ पर सारे मसाले जो थे हमने डाल दिए, अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पर हमने दाल का रेशो जो था वो बहुत कम रखा, 1/4 कप के बराबर हमने इसमें चने की दाल ऐड की। चिकन हमारे पास जो ब्रेस्ट थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि अगर हम चिकन में अगर हम दाल को ज़्यादा कर देंगे तो जो कबाब हैं वो बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने शामी कबाब के लिए चिकन और चने की दाल, हरी मिर्चें ग्रीन वाली रेड वाली, 1 अदद प्याज और ये लहसुन और अदरक जो हमने डाल के रखा था, अब ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। बड़े पीसेस हमने डाले थे चिकन के, ब्रेस्ट के 2 अदद स्मॉल साइज़ के पीस थे और तकरीबन 1/4 कप के बराबर हमने इसमें चने की दाल डाल के, नमक डाल के हमने इसको रख दिया था। अभी आप देख सकते हैं कि पीसेस जो हैं ये बिल्कुल गल गए हैं और जो दाल है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए अब हम इसको और ज़्यादा पकाएंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, ताकि जब हम इसको ग्राइंड करें तो ये बिल्कुल भी नरम ना पड़े, तो क्योंकि नरम पड़ेगी तो हमारे जो शामी कबाब हैं वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बनेंगे। अब इसको हम 5 मिनट तक पकाने के बाद अब इसको उतार लेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसमें धनिया 2-3 अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें डालेंगे इसमें, और साथ ही इसमें अंडा डाल के शामी कबाब जो हैं हम उनको तैयार कर लेंगे, ठंडा करेंगे और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें अच्छे तरीके से ड्राई हो गया, साथ ही हमने इसमें धनिया और हरी मिर्चें डाल दी, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब यहाँ पर ग्राइंड करेंगे, अब यहाँ पर आप देखें कि हमने इसको ग्राइंड कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं बहुत बारीक सा ये देखें ये ग्राइंड हुआ है। हमने इसमें चिकन के बड़े पीसेस डाले थे, आप अगर चाहें तो आप चिकन को काट कर भी पीसेस करके डाल सकते हैं, लेकिन ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो गया। इसमें हमने हरी मिर्चें भी डालनी टेस्ट के मुताबिक, बहुत मज़े का है। साथ ही अब हमें अंडे की ज़रूरत होगी, अंडा हमने बीट कर लिया, लेकिन हमने सारा अंडा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और हम देखेंगे कि कितना हमें इसमें ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम सारा डाल देंगे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा और शामी कबाब जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। अब यहाँ पर आप देखें 1 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें अंडा डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये काम यहाँ पर हाथों से है, अब हमने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ये चम्मच से ये देखें बिल्कुल भी सही तरीके से मिक्स नहीं होगा, तो हम इसको आपको मिक्स करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने अंडे को मिक्स कर दिया और ये अंडा हमने छोड़ दिया, जितनी हमें ज़रूरत थी उतना हमने डाल दिया। बहुत ज़्यादा ये देखिए आपने ड्राई भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं करना। अब ये बिल्कुल ठीक है, ऑयल जो है हम गर्म होने के लिए रख देंगे, बहुत ज़्यादा हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको कबाब की शक्ल बनानी है और इसको फ्राई कर लेना है और मज़ेदार से जो शामी कबाब है हमारे तैयार है। मसाला हमने शुरू में ही सारा डाल दिया था, अभी किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्चें हमने ऊपर से डाल दी थी अगर आप चाहें तो, क्योंकि बहुत ही मज़े के और बहुत ही स्पाइसी जो है ये शामी कबाब हमारे तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर हम कबाब बनाएंगे, ये देखें आपको आवाज़ आएगी, ये देखें जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं ये देखें इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ये देखें जब हम कबाब के लिए ये लेंगे ये देखें कितना सॉफ्ट है,
ये देखें, इस तरह करने के बाद हमने इसको कबाब बनाना है, क्योंकि दोनों हाथों की मदद से होगा। ये देखें, लेकिन सिर्फ हम आपको सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं इसके, कि कितना सॉफ्ट है। ये देखें, ये कबाब जो हैं बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। कुछ लोग जो हैं वो ऊपर से अंडा भी लगाते हैं, लेकिन हमने इसमें अंडे को अंदर ही मिक्स कर दिया, जिसके जरिए देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब कबाब बनाने के लिए यहाँ तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने हाथों पर लगाएं, बहुत ज़्यादा अपने हाथों को गीला नहीं करना है। यही जो अंडा बचा है इसी को ही बिल्कुल हल्का सा हाथों पर लगा के, और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। अब यहाँ पर कबाब हमने बना लिए, ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया। देखिए ये साइज़ जो है कबाबों का बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे थोड़ा सा अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए। अब हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है, और मज़ेदार से शामी कबाब हमारे तैयार हैं। अब यहाँ पर कबाब हमने ऑयल में डाल दिए हैं। अब यहाँ पर आपने फ़ौरन से ही इसकी साइड चेंज नहीं कर देनी एक साइड से, जब तक कि ये तैयार नहीं हो गए। थोड़े बहुत ज़्यादा जलना भी नहीं चाहिए, और देखिए बड़े ज़बरदस्त से लाइट ब्राउन कलर के जब हुए तो हमने इनकी साइड जो थी वो चेंज कर दी। अब यहाँ पर देखिए शामी कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। मज़ेदार स्पाइसी रेसिपी, बहुत ही आसान थी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी, किसी नई टिप के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।